नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है परिवर्तन। जी हाँ मित्रों, यह वही परिवर्तन है जो हमारे जीवन में निरंतर होते रहते हैं और इन परिवर्तनों से हमारा मानव मस्तिष्क किस तरह से प्रतिक्रियाएं करता है उसके ऊपर आज विवेचना करेंगे। तो मित्रों, यह जीवन का परिवर्तन क्यों आता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन परिवर्तनशील होता है, हम अपने आसपास की वस्तुओं में भी इस परिवर्तन को देखने में सक्षम होते हैं और उसी प्रकार यह परिवर्तन जीवन में प्रवेश करके हमें अच्छे और बुरे अनुभवों का एहसास कराता है। मित्रों, परिवर्तन उसी प्रकार हमारे लिए ज़रूरी है जिस प्रकार एक वृक्ष जो कि पतझड़ में अपने सभी पत्तियों को, फलों को और अपनी लताओं में उत्पन्न हुए सभी बूढ़े विकारों को त्याग देता है और बसंत के साथ साथ फिर से एक बार हरा भरा हो जाता है। हमारा जीवन भी एक वृक्ष की भांति ही है और यह निरंतर परिवर्तन के अनुरूप होकर अच्छे और बुरे अनुभवों को हमारे लिए तैयार करता है। मित्रों, यदि जीवन में परिवर्तन ना हो तो हम अपने जीवन में विकास करने में भी सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन अच्छे और बुरे अनुभवों का ही लेखा जोखा महज होता है। अगर हम अच्छे की आशा करते हैं, हमारे जीवन में अच्छे अनुभवों की आशा करते हैं, तो हमें बुरे अनुभवों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील तो है ही और इस परिवर्तन के साथ कई और घटनाएं भी जुड़ी होती हैं। अगर हम जीवन में परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम आम तौर पर अपने आप को दुखी ही पाएंगे, क्योंकि यह परिवर्तन हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छे का अनुभव यदि हम करना चाहते हैं तो बुरे को स्वीकार करना भी अनिवार्य होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक वृक्ष, एक हरा भरा वृक्ष भी तभी तैयार होता है जब वह पतझड़ का अनुभव करता है, क्योंकि उसकी बूढ़ी पत्तियां और उसके पके हुए फल जब तक उससे अलग नहीं होते हैं तब तक वह वृक्ष नई संरचनाओं को, नए जीवन को और नई काया को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी भांति जीवन में भी अच्छे बुरे अनुभवों के लिए परिवर्तन ही जिम्मेदार होता है और हमें इन परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करना जरूरी है, तभी जीवन जो है वह कल्याणकारी सिद्ध होगा और हमें इस जीवन के चक्र को समझने में भी सहायता मिलेगी। तो मित्रों, परिवर्तन से ना घबराएं, परिवर्तन को स्वीकार करें। यदि अच्छे की आशा करते हैं तो बुरे के बीतने का भी इंतज़ार करें। तो मित्रों, परिवर्तन विषय पर यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। यदि आप हमारे इन वचनों से संतुष्ट हैं तो हमें कृपया लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड के साथ। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय गुरुदेव।